मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। और अभी मैं जो चीज़ सिखा रहा हूँ ये उन्हीं की मान लीजिए उसको, ठीक है। दो बातें मैंने आपको बोली हुई हैं, याद हो, अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन। तो आज जो है अनसेफ एक्ट और कंडीशन कौन सी होती हैं और क्या होती है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अभी तक सुना है, माइंड में है, मैं कुछ कुछ जो है 5, 7, 8, 10 जितनी भी होती है मैं कंडीशंस आपको बताऊंगा कि ये जो कंडीशंस होती है ना मैन, ये अनसेफ कंडीशन में आती हैं। और एक्ट जो होते हैं, ऐसा कौन सा एक्ट, ऐसा कौन सा काम है जो अनसेफ एक्ट में गिना जाता है। तो जब मैं ये आपको बताऊंगा दोनों 5, 5, 10, 10 एग्जाम्पल दे देता हूँ अच्छे से, तो उसके बाद आपको बाकी सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अनसेफ एक्ट की बात करते हैं, सबसे पहले जो है हम बात करते हैं अनसेफ एक्ट। देखो परिभाषा डेफिनेशन वो तो मैं आपको बोल चुका हूँ, ऐसा कोई भी काम जो गलत तरीके से किया जाता है और सुरक्षा की दृष्टि से गलत होता है, सेफ्टी की नज़र में वो अनसेफ है, वो काम करने की वजह से हमें या हमारे जैसे किसी और को या प्रॉपर्टी को नुकसान हो सकता है, जिस काम की वजह से, उस काम को हम अनसेफ कार्य, अनसेफ एक्ट बोलते हैं, असुरक्षित कार्य कहते हैं। कौन कौन सा होता है देखिए, मैं कुछ जो है बुक्स में है उसको थोड़ा इजी वे में आपको समझाता हूँ। सबसे पहले कहते हैं ऑपरेटिंग विदाउट अथॉरिटी, बुक के अंदर ये चीज़ लाइन लिखी हुई है, ऑपरेटिंग विदाउट अथॉरिटी। देखो मैं समझाऊंगा इसको आपको, ऑपरेटिंग का मतलब जानते हो ऑपरेटिंग का मतलब ऑपरेट करना, विदाउट क्या था अथॉरिटी, ऑपरेटिंग विदाउट अथॉरिटी के अंदर कई चीज़ें आती हैं। देखिए जैसे किसी मशीन को चलाने की अथॉरिटी हर किसी को नहीं, जैसी भी है, हम सिंपल वे में बात करेंगे, जैसी भी है या डंपर है, ट्रक है बड़ा वाला, हर किसी को चलाने की परमिशन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो छोटी गाड़ी में और ट्रक में फ़र्क होता है, ट्रैक्टर में और जेसीबी में फ़र्क होता है, होता है। तो जिस चीज़ को, जिस मशीन को, जिस इक्विपमेंट्स को, औजार को चलाने की परमिशन अथॉरिटी नहीं है, उसको चलाना अनसेफ एक्ट कहलाता है। अनसेफ एक्ट ही हुआ ना, जेसीबी हर कोई नहीं चला सकता, वो वही चलाएगा जिसके पास उसका लाइसेंस है, उसको ट्रेनिंग सेंटर जाके उसने सीखी हुई है और वही चलाता है। दूसरा कोई उसको चलाएगा तो अनसेफ एक्ट ही हुआ ना, वो गलती करेगा, चोट खाएगा या किसी को चोट मारेगा, अनसेफ एक्ट हुआ क्या? नहीं हुआ। किसी भी चीज़, कोई इलेक्ट्रिकल का इक्विपमेंट्स है, बिजली की मशीन है, बिना परमिशन के, बिना अथॉरिटी के अगर हम उसको भी चलाएंगे तो अनसेफ एक्ट ही है ना। तो बिना अथॉरिटी के किसी भी चीज़ को ऑपरेट करना, मशीन को, इक्विपमेंट्स को, औजार को, हथियार को चलाना अनसेफ एक्ट की काउंटिंग में आता है। अगला होता है ऑपरेटिंग या तो यूजिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट्स इम्प्रॉपर, मैं उसको थोड़ा जो है शॉर्ट वे में लिखता हूँ, यूजेज ऑफ इक्विपमेंट इम्प्रॉपरली लिख देते हैं इसको, किसी भी इक्विपमेंट्स को गलत तरीके से इस्तेमाल करना या चलाना अनसेफ कंडीशन में आता है। गलत तरीके से मतलब अनसेफ एक्ट, एक्ट सॉरी कंडीशन में एक्ट ही है। कोई भी मशीन को मान लो कि जैसे जो काम पानी से करना चाहिए वो चाबी से करें, या जहाँ 14 नंबर की चाबी लगती है वहाँ चाबी तो 20 नंबर की है, बीच में पेंच कुछ घुसा के जुगाड़ करें, हैं? जो हम लोग निजी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में करते हैं, मैं उन चीज़ों को गिनती करवाऊँगा, इंडस्ट्रियल लेवल पे जाऊँगा तो वो आप नहीं जानते उस चीज़ों को। जिस औजार से, इक्विपमेंट से, जिस उपकरण से जो काम करना चाहिए उसके अलावा अगर उसको गलत तरीके से या दूसरे तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं तो वो अनसेफ एक्ट ही होता है। बाइक से हम लोग जो है बैठ के आने जाने का ही काम होता है, अब उसको हम लोग सामान ढोने में भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो अनसेफ एक्ट है, उसकी वजह से नुकसान होते भी।
होते हैं ना, तो कोई भी वस्तु चीज़ आप मान लो, अगर उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, इम्प्रॉपरली अगर उसको यूज किया जाएगा वो इक्विपमेंट्स को, तो वो अनसेफ एक्ट की ही गिनती में आएगा। हथौड़े से कील ठोकी जाती है, किसी सरिये से ठोकेंगे तो, ऐसे पकड़ के कील को पकड़ के हम सरिये से मारेंगे तो इम्प्रॉपर है ना, वो तो अंगूठा या उंगली फूटेगा हमारा, तो वो एक्ट क्या होता है, अनसेफ एक्ट में होता है। अगला एक और चीज बोलते हैं, ऑपरेटिंग एनी मशीन ऑन हाई स्पीड, या नॉन परमिशेबल स्पीड, जितनी स्पीड में चलाने की परमिशन नहीं है उस स्पीड में किसी भी मशीन को चलाना या ऑपरेट करना क्या है? सच में है क्या ऐसे? यहाँ अगर है ना, बाइक को 100 से ज़्यादा 100 पे भी चलाने की परमिशन नहीं होती है, बट फिर भी अगर हम 100-120 की स्पीड में किसी बाइक को चला रहे हैं लोकल रोड पे, तो अनसेफ एक्ट है। अनसेफ एक्ट क्यों है? क्योंकि उससे एक्सीडेंट होने का चांस है, अनसेफ एक्ट ही है ना। वो ट्रैक्टर जो है खेतों में काम करने के लिए होता है, अगर उस ट्रैक्टर को रोड पे ले जाके हम 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाते हैं तो वो अनसेफ एक्ट है, क्योंकि उसका जो डिज़ाइन है, जो उसके टायर और जो उसका जो स्ट्रक्चर है, वो उस तरीके से नहीं बनाया गया है कि इसको गाड़ियों की तरह रोड पे दौड़ाया जाए। अगर ट्रैक्टर जंप करता है तो वो अनबैलेंस हो जाता है, पलटी खा जाता है ना ऐसे। अब रेसिंग की गाड़ियाँ देखी आपने, नीचे एकदम रोड से थोड़ी सी ऊपर होती हैं, वो रेसिंग में जो काम करते हैं फॉर्मूला वन रेसिंग में जो गाड़ियाँ आती हैं कितनी नीचे होती है एकदम थोड़ी थोड़ी सी, वो पता है ऐसी क्यों बनाई जाती है? क्योंकि उनको ज़्यादा दौड़ाना होता है, तो उसका स्ट्रक्चर उसी लेवल से बनाया गया है। वो सवारियाँ ढोने के लिए नहीं है, वो कहीं ले जाके घूमने के लिए नहीं होती हैं, वो सिर्फ उस रेसिंग ट्रैक पर काम करते हैं, तो पलटी ना खाएं इसलिए उसको ऐसा बनाया गया है। अगर उस रेसिंग कार की तरह हम अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी को अगर भगाएंगे तो क्या होगा? वैसा कट अगर स्कॉर्पियो गाड़ी से मरेंगे तो क्या होगा? समझ गया अभी ये बात? ये लाइन आई समझ में आपको? किसी भी मशीन को नॉन परमिशेबल स्पीड पे, आउट ऑफ लिमिट की स्पीड से अगर हम यूज करते हैं तो वो भी अनसेफ एक्ट होता है। अगला कहते हैं कि वर्किंग विद डिफेक्टिव टूल्स, वर्किंग विद, ये लिख के रखिए जरूरी है, बाद में लिख लेना यहाँ से जाने के बाद, एक बार भी पढ़ लेते हैं। वर्किंग विद डिफेक्टिव टूल्स, इसका मतलब समझ रहे हो? किसी भी ऐसे टूल के साथ काम करना, किसी ऐसे उपकरण को यूज करना, इस्तेमाल करना जो डिफेक्टिव है, जो डिफेक्टिव का मतलब समझते हो, उसमें कोई ना कोई कमी है। हथौड़ी जो निकलती है बार बार अपने हत्थे से, अगर उसको हम इस्तेमाल करें तो देखो, यहाँ किसी चीज़ को हमने ठोकना है जमीन में, गाड़ना है, वो हथौड़ी हमें पता है कि हत्थे से निकल जाती है बार बार, लूज है, सामने एक आदमी को बोल दिया गया इसको पकड़ के रखो, और हम उसको यहाँ से ऐसे मार रहे हैं बार बार, दो बार चार बार पांच बार मारा और वो निकल गए सामने वाले के जाके लगी, तो क्या है वो? कौन सा एक्ट है? क्लियर है ना? किसी प्लायर, प्लास बोलते हैं जिसको हम, बिजली का काम जो हम जिससे करते हैं, उस पे कहीं से या एक डंडी से, दो उसके सिर होते हैं, एक सिरे से वो प्लास्टिक का जो खोल होता है ऊपर रबड़ का जो खोल जड़ा होता है, वो कटा है, टूटा है, निकला हुआ है, डिफेक्टिव है, उसको लेके हम जाके बिजली की लाइव तार को अगर जोड़ना शुरू करेंगे तो व्हाट इज दिस? दैट्स कॉल्ड अनसेफ एक्ट। तो ऐसे एग्जांपल लेके तो पूरा दिन निकाल लो, मैं छोटे छोटे बहुत सारे एग्जांपल दे दूंगा। वर्किंग विथ डिफेक्टिव टूल्स, तो किसी भी डिफेक्टिव टूल के साथ काम करना अनसेफ एक्ट होता है। नेक्स्ट आता है आपका नॉट यूज ऑफ पीपीज,
नॉट यूज ऑफ पी पी ई, ये फुल फॉर्म है बेटा इसकी, एक पी पी ई की मैं आपको समझा देता हूँ। पी पी ई की फुल फॉर्म होती है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। इसका स्पेशल चैप्टर आएगा, आप चाहो तो इसका नाम अभी लिख सकते हो, याद रखना पड़ेगा भाई। शॉर्टकट में हमेशा इसको हम पी पी ही बोलते हैं, लेकिन फुल फॉर्म में इसकी लिख भी देता हूँ, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। अब इसकी हिंदी तो समझ गए होंगे, पर्सनल मतलब निजी, स्वयं का, अपना, खुद का। प्रोटेक्टिव मतलब बचाने के लिए, सुरक्षा के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। इक्विपमेंट्स उपकरण, जो अपनी खुद की बचाव के लिए जो उपकरण, जो हथियार जो इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम पीपीई बोलते हैं। पता है वो क्या क्या होते हैं? ये देखिए, ये जो है क्या है, ये पीपीज है। ये किस चीज़ की सुरक्षा के लिए है? आँखों की सुरक्षा के लिए। पेंटिंग करते हैं, आँख में कुछ नहीं जाएगा। ग्राइंडिंग करते हैं, घिसाते हैं, नहीं जाएगा। ड्रिल करना है, किसी चीज़ को कटिंग करना है, अपनी आँखों में नहीं जाएगा। सरिया काटना है, चिंगारी निकलती है, ये लगा लिए तो समझ गए आप। बाइक चलाते हैं या कोई भी चीज़ हम तेज चलाते हैं जिस पे ज़्यादा धूल मिट्टी आँखों में लग रही है, ये लगाए तो नहीं लगेगा ना वो भी। ये क्या है? ये भी पीपी है। पीपी है कि नहीं? ये भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है। ये किस चीज़ के लिए है? ये हमारे सिर की सुरक्षा के लिए। किसके लिए? और सिर्फ हमारे सिर की सुरक्षा के लिए है, और किसी के लिए नहीं है। एक हेलमेट है मैंने पहना तो ये मेरे ही सिर को बचाएगा, किसी दूसरे को नहीं है। ये चीज़ ऐसे जब लगा के हम काम करते हैं तो इसी को साइट पे हम लोग पीपीई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब जूता पैर में पहनते हैं तो वो किस चीज़ की सुरक्षा के लिए होता है? पैरों की सुरक्षा के लिए होता है। तो वो क्या हो गया? पीपीई हो गया। अब समझ गई है क्या है? तो ये लिखा गया है नॉट यूज ऑफ पीपीज। तो इन पीपीज का इस्तेमाल ना करना गलत है कि सही है? मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आपको हेलमेट का, याद है एक दिन बताया था हेलमेट, अगर वो इस्तेमाल नहीं करते तो अनसेफ एक्ट ही था ना इतने दिन से जो कर रहे थे। तो अनसेफ एक्ट की वजह से मैंने आपको पहले बताया 80% एक्सीडेंट किसकी वजह से होते हैं? हाँ अभी तो 80 से भी ज़्यादा हो गया, 100 में से 88% एक्सीडेंट सिर्फ और सिर्फ ये अनसेफ एक्ट की वजह से होते हैं। अभी मैंने तो सिर्फ 4-5 गिनवाए हैं, सोच के देखो इनमें से कितने तरह के एक्सीडेंट होते हैं सिर्फ इन्हीं 4-5 कामों की वजह से। अभी तो इतने ही, और बाकी मैं इतने ही चाहूँ तो 40 लिखवा सकता हूँ, 50 लिखवा सकता हूँ, बहुत सारे अनसेफ एक्ट ये लिखे हैं। इनके अलावा कुछ वैसे बोल के आपको बता रहा हूँ, पीपीज का इस्तेमाल ना करना अनसेफ एक्ट है। अच्छा, पीपीज का गलत तरीके से इस्तेमाल करना वो भी एक अनसेफ एक्ट है। हेलमेट को सिर पे लगाते हैं ना, उसको सिर पे लगाया भी, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देने की है, एक फीता होता है। अगर ये फीता नहीं लगाएंगे तो काम करते टाइम कभी ना कभी ये सर से जरूर निकलेगा। जैसे कि अब इसको मैंने अंदर लगाया हुआ था, ऐसे में कर रहा था, और मुझे कोई काटने का या ऐसे ठोकने का या तोड़ने का काम कर रहा हूँ, हथौड़ी चलानी हो तो 4 झटके में लग के ये उतर जाएगा। या मैं इसको ऐसे लगा के थोड़ा सा 12-14 फुट ऊपर हाइट पे काम कर रहा हूँ, मैं ऊपर से गिर भी गया ना तो ये मेरे सिर को बचाएगा नहीं, क्योंकि ये तो इसमें तो कुरकावट ही नहीं है, नीचे गिरते ही दूर जाके गिरेगा, ये सबसे पहले यही निकलेगा सिर से, फिर सिर में से खून निकलेगा, ऐसा ही होगा ना। तो इम्प्रॉपर यूज करना, गलत तरीके से भी पीपीज का यूज करना अनसेफ एक्ट ही होता है। सेफ्टी बेल्ट को शरीर पे पूरे बांध के और कहीं एंकर करके हाइट पे काम किया जाता है कि अगर मैं गिर भी गया, मेरे नीचे से फट्टा टूट गया, प्लेटफॉर्म टूट गया, किसी का धक्का लग गया, सरिया छूट गया एकदम से, है अनबैलेंस हो गए गिरा, तो क्या है पूरा शरीर पैक है सेफ्टी बेल्ट से, और ऊपर हाइट पे हमने सेफ्टी बेल्ट पूरे शरीर में ऐसे पैक होती है, और पीछे कमर से इतनी मोटी जो है रस्सी जो है 16 mm की 14 mm की रस्सी, ऐसे 2-3 फुट जो है, 2-3 फुट बोल रहा हूँ मैं, कम से कम 6 फुट लंबी होती है, और उसको ऐसे किसी पाइप पे दीवार पे या हुक में ऐसे बांध देते हैं, उसमें हुक होता है, ऐसे लगा देते हैं, तो हम गिरेंगे भी तो लटक जाएंगे ना उधर ही,
फिर किसी को पकड़ के वापस आगे खड़े हो जाएंगे, वेरी सेफ। लेकिन अगर वो ना हो तो ऊपर से गिरने के बाद ज़मीन पे टकराने के बीच में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमें रोक सकती है। हवा में तो कोई रोकेगा नहीं ना, कितने भगवान के नाम लो सीधा नीचे ही आएंगे, बचेगा नहीं वहाँ। तो उसको शरीर पे पहनने की बजाय ऐसे निकाल के और नीचे से कोई सामान बांध के खींचने में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो गलत इस्तेमाल है पीपी का ना, वो अनसेफ एक्ट हो गया। एक तो वो डैमेज हो रहा है, सामान बांध रहे हो, गांठ मार रहे हो बार बार, उसकी रस्सी यार तुम्हारी जान बचाने के लिए, वो रस्सी ऐसे डैमेज हो जाएगी तो किसी दिन लटक भी गए तो टूट जाएगी वो, तो क्यों तो तुम सामान वामान पानी और सीमेंट और बोरी क्या क्या उसे बांध के खींचते रहते हो रस्सी से, तो बेल्ट तो खराब हो जाएगी ना हमारी किसी दिन। तो पीपीज का इस्तेमाल नहीं करना तो अनसेफ एक्ट है ही, लेकिन अगर उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया वो भी अनसेफ एक्ट है। अच्छा, डिफेक्टिव, खराब हुआ, खराब हो चुका पीपीज का इस्तेमाल करना भी अनसेफ एक्ट है। अगर हेलमेट टूटा हुआ है एक साइड से, उसको पहन के जाने का फायदा क्या हुआ? जूते पहन तो लिए लेकिन जूते में से जो है नीचे खड्डे हो रखे हैं, फायदा क्या है? कांटा या कील जो होगा वो तो वैसे भी ठुक जाएगा। एक तरह से टूटा हुआ है और ठीक से चला ही नहीं जा रहा है, फिर भी उसी को पहन के काम कर रहा हूँ क्योंकि सेफ्टी साहब जो है बिना जूते के काम नहीं करने देंगे, वो भी तो गलत है। दस्ताने जो रबड़ के हैं वो डैमेज हो चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वही पहन के जाके बिजली का काम शुरू कर देंगे। तो पीपीज का इस्तेमाल नहीं करना गलत है, तो उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करना भी गलत है, और डिफेक्टिव या डैमेज पीपीज का यूज करना भी गलत है, अनसेफ एक्ट है। और जहां मना किया गया है वहां पे स्मोकिंग करना भी, वो तो क्लियर है ना, उसमें तो ज़्यादा समझाना नहीं है हमें। जहां पे नो स्मोकिंग, स्मोकिंग प्रोहिबिटेड एरिया का निशान लगा है या वहां पे बोला गया है, अगर वहां भी स्मोकिंग की जाती है तो अनसेफ एक्ट है, उसकी वजह से आग लग सकती है। और आग लगने से क्या नुकसान होता है आप अच्छी तरह से जानते हैं, चलिए ज़्यादा लंबा नहीं करें। अनसेफ एक्ट आज समझ आ रहा है आपको? इसके अलावा आप अपनी लाइफ के चाहे तो बेशक से 20 लिख सकते हैं अकाउंटिंग करके। जब हम सुबह बिस्तर से उठ के रात को 9 बजे 10 बजे वापस बिस्तर पे जाते हैं, उसके बीच में पूरा दिन हमने जितनी एक्टिविटी की, हम सोच सकते हैं कि उसके बीच में हमने कितने गलत काम किए। गलत काम मतलब काम को गलत तरीके से किया है, गलत काम की बात नहीं कर रहा हूँ। बस में चढ़ते हैं भाग के, गलत होता है। बाइक वाइक को हम लोग गलत तरीके से मोड़ के लेके जाते हैं, गलत होता है। सीढ़ियों से तेज़ी से चढ़ना, तेज़ी से उतरना भी गलत होता है। एकदम से बहुत भारी वजन की चीज़ को उठाना गलत होता है। किसी को मजाक में धक्का देना गलत होता है। किसी की तरफ पत्थर फेंकना गलत होता है। रोड पे कोई चीज़ फेंकना गलत होता है। अनसेफ एक्ट कोई भी एक काम, और हमें से ऐसा कोई नहीं है जो इनमें से कोई काम नहीं करता, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। कोई ना कोई काम हम सब करते हैं सुबह से शाम तक, ये अनसेफ एक्ट होते हैं। तो सेफ्टी के कोर्स में हमने ये जो हम गलतियां करते हैं, और इन गलतियों से अगर हम खुद के लिए सोचें कि ये जो गलती की है इसकी वजह से अगर नुकसान को रोकना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, सेम वैसा ही बिल्कुल हमें वहाँ फैक्ट्री या जिस प्लांट में या जिस साइट पे हम काम करेंगे, सेफ्टी ऑफिसर बन के जाएंगे, सेफ्टी सुपरवाइजर बन के जाएंगे, वहाँ पे वो काम करने वालों के लिए भी सेम सोचना है, ठीक है? तो जो हम अपनी सुरक्षा करते हैं वही सुरक्षा दूसरे की भी करनी है, ज़्यादा लंबा नहीं। लेकिन अपनी सुरक्षा कैसे करनी है वो भी सीखना पड़ेगा। आज तक तुमने सिर्फ अनसेफ एक्ट ही किए, उनका इलाज नहीं ढूंढा कर दिया। सो भी अनसेफ एक्ट आज के लिए है, बाकी नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए ओके।